तो भाई साहब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा हमारे एचके सर का गाड़ी जो है ना पूरा नीचे खाई की ओर। बहुत ही खूबसूरत ये मतलब लद्दाख का जो हुंडर वाला इलाका है ना वैसा कुछ लग रहा है। ओह माय गॉड गाड़ी फंस गई हमारी। देख सकते हैं कैसे खतरनाक वाला रास्ता है और अपन पार कर रहे हैं भाई। ओह वाह तो हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय जोहार। मैं हूं सोमेश और मैं कर रहा हूं 500 दिनों की भारत यात्रा। भारत यात्रा की इस कड़ी में मैं नागालैंड में हूं फिलहाल और नागालैंड के फिरन डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है ह्यूनाम्बे वहां पर हूं। जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर एक विलेज की जैसे स्थापना होती है। यहाँ पर दरअसल होता क्या है कि किसी भी विलेज के हेड को चेयरमैन कहा जाता है और जो चेयरमैन होते हैं वो उस गांव का पूरा देखभाल करते हैं। जैसे पुराने समय में छोटे छोटे राजा हुआ करते थे उसी टाइप का ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल सर। रिस्पेक्टेड ह्यूनाम्बे सर हैं जिनके नाम से ये विलेज है। तो सर आप इस विलेज के बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे कि ये विलेज की स्थापना कब हुई और कैसे आपने इस विलेज को एस्टैब्लिश किया? ये हमारा जो ये विलेज एस्टैब्लिश किया 2003 में ओके और रिकॉग्नाइज हुआ 2014 में। और ये हमारा अभी घर है 50 घर है। पॉपुलेशन है 270। ये मोरंग है ये हमारा ये नागा टाइप के मोरंग ये घर है और हम दोनों ने ये सब कुछ हमारा नाम से ये काम खुला है। ओके तो बहुत ही प्यारा सजाया सर और मैम ने अपना घर ड्राइंग रूम का एरिया बैठक रूम जिसे हम कहते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल टाइप का घर है लकड़ी का घर है। ये ट्रेडिशनल कप ये यूज करता है इधर से राइस बियर भी पीता है। ओके तो ये फुली वुडन का बना हुआ है। वुडन का कप है। ओके और ये भी वुडन का प्लेट है। हम लोग ये इसमें खाना भी खाता है और पिकल भी लगा के खाता है। ओके तो ये क्या चीज़ है मैम? ये हॉर्न है मिठुन का हॉर्न है। ओके इधर भी हम लोग इसे राइस बियर पीता है। ओके ये है ट्रेडिशनल ड्रम है। ओके हम लोग फेस्टिवल में ये यूज करता है। अब डांस करेगा गाना गाएगा इसमें बजा के डांस करता है। आपका जो ये कम्युनिटी है किस ट्राइब से बिलोंग करता है? जिलियंग है हम लोग। जिलियंग ट्राइब से। तो जिलियंग का कोई फेस्टिवल होता होगा मेन फेस्टिवल? मेन फेस्टिवल मिलेवनी होता है। मिलेनी मिलेवनी मिलेवनी। ओके तो कोई प्रॉपर डांस फॉर्म भी होगा आप लोगों का? डांस भी होता है रेसलिंग भी होता है। ओके गेम्स अलग अलग गेम्स भी होता है। ओके हम लोग डांस करने टाइम में ये दाव ये स्काल ऐसे पीनता है फेस्टिवल में। तो ये सब मतलब ट्रेडिशनल जब डांस होता है तो उसका कलेक्शन है। ये क्या चीज है? ये मछली। अच्छा मछली पकड़ने वाला है। ओके ओके सो ये सब सर लोगों की पुरानी फोटोज हैं इनकी फैमिली की। ये है जो हम लोग खेती जाएगा ये हम लोग इसे पीन के ओके सो ये मतलब किसी चीज से प्रोडक्शन करता है क्या? नहीं ये जो है ना ये अंदर में बारिश के टाइम में हम लोग ये लगाते हैं। ओके ओके अंदर में नहीं आने के लिए। अच्छा 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 वेरी नाइस। तो ये किस चीज का बना हुआ है सर? ये है पत्ता से बनाया। ओके जंगल का पत्ता है ये। ओके 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 तो कुछ ऐसा होता है भाई यहाँ का लोकल किचन। हर चीज़ें मतलब वेल मेंटेन्ड और वेल अरेंज्ड मिलेंगी आपको ऐसे घर में।
और ये पूरा यहाँ पर जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं उनको रखा जाता है। तो सर ये मोरोंग क्यों बनाया जाता है? ये मोरोंग लड़का लोग इधर बैठे, ओके, लड़की लोग इधर नहीं आ पाएगा, ओके, नहीं सो पाएगा, ओके, सिर्फ लड़का लोग। अच्छा, और हम लोग क्या करेगा, लड़को लड़का लोग लड़ाई जाना से भी इधर से बातचीत करके लड़ाया जाएगा, ओके, और इधर से हम लोग बातचीत करेगा क्या फसला होगा ये करना पड़ेगा, ओके, इसलिए हम लोग ये मोरोंग ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब ये एक प्रकार का मीटिंग हाउस है जहाँ पर मतलब किसी भी चीज़ का मीटिंग होता है। तो भाई साहब ये है मोरोंग जैसा कि सर ने आपको बताया, और ये है इनका घर, बहुत ही खूबसूरत सा घर है, पूरा वुडन का बना हुआ है। इस साइड आप ये एक स्पॉट है जहाँ पर आप घूमने आ सकते हैं, वे ट्यूहनाम्बे विलेज केव। तो यहाँ पर एक गुफा है बता रहे थे, और हम लोग फ़िलहाल गुफा को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो ये एक रॉक काइंड ऑफ एडवेंचर है भाई, थोड़ा सा संभल के जाना पड़ेगा इधर से। यहाँ पर लीचीज की भी थोड़ी दिक्कत है, तो आते हैं तो आप सॉल्ट या फिर स्प्रे ज़रूर रख के आए इस साइड। बाकी व्यू जो है ना भाई ख़तरनाक वाला है, देख लीजिए कितना डेंस फॉरेस्ट है अंदर। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं नीचे की ओर, जिस साइड केव है, प्लस अंदर से एक स्ट्रीम जिसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, एक वाटर स्ट्रीम जाता है। तो भाई इस सीरीज़ में मैं आपको अनएक्सप्लोर्ड को एक्सप्लोर करवा रहा हूँ, मतलब बहुत ही रॉ है ये एडवेंचर। जो रिवर स्ट्रीम है तो आवाज़ मेरी थोड़ी आपको कम आएगी, बाकी बहुत स्लिपरी है भाई, आगे जाने से थोड़ा सा दिक्कत है, अपने को दूसरा रास्ता चुनना होगा। देख सकते हैं कैसे ख़तरनाक वाला रास्ता है, और अपन पार कर रहे हैं भाई। ओह वाह भाई, थोड़ा सा डिफिकल्ट है यार, और स्लिपरी भी है एक्चुअली। तो ये फाइनली हमने कर दिखाया इधर, और ये है भाई साहब केव। ओ माय गॉड, फैबुलस मैन, इट्स फैबुलस। विलेज आते हैं तो वहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ेगा, और आपको गांव से जैसे ही पोलवा का आप एंट्री गेट देखेंगे, एंट्री गेट से जस्ट राइट साइड में आपको ये दिख जाएगा। मैं गूगल मैप पे लोकेशन भी डाल दूंगा इस विलेज की। तो नागालैंड अगर आप आ रहे हैं तो भाई रॉ एडवेंचर देखना चाहते हैं तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ आगे, एक पिकनिक स्पॉट है वो दिखाने आपको। यहाँ पर आप जैसे इस विलेज में आते हैं तो आपको यहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट दिख जाएगा, बहुत ही खूबसूरत है, प्लेन है, यहाँ पर शायद कैंपिंग भी अलाउड है। बताता हूँ मैं पूरी डिटेल्स नीचे चल के, पहले तो ये आपको अच्छे से इस जगह का व्यू बताते हैं। साहब बहुत ही खूबसूरत, ये मतलब लद्दाख का जो हुंडर वाला इलाका है ना, वैसा कुछ लग रहा है। ओह माय गॉड, गाड़ी फंस गई हमारी, उतरना पड़ेगा रे बाबा, देख रहे हो। अगर आप
आप ऐसे गांव की तलाश में हैं जो बिल्कुल फ्रेश हो, रॉ हो और मतलब लेस एक्सप्लोर्ड हो, तो आपका इस विलेज में आना बनता है। सो गाइस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जिस विलेज में हम लोग रुके हुए हैं वहाँ के जो हेड हैं, ये हैं चेयरमैन सर इस विलेज के, और इन्होंने, इनकी तरफ से आज हमें मतलब होस्टिंग हो रही है, खाना, मतलब थैंक यू सो मच सर फॉर दिस फूड एंड ऑल। और भाई साहब, ये पूरा खाना वाना हम लोग इनके घर पे खा रहे हैं। तो ये लोकल प्लेट्स हैं सर, दिस इज़ मेड ऑफ वुड, ओके, तो लकड़ी में पूरा सर्व करते हैं, लकड़ी का प्लेट्स बनाते हैं, और बहुत सारे पकवान और व्यंजन बने हुए हैं, वो भी बहुत ही लोकल है यहाँ का, जो भी लोकल लोग यहाँ पर खाते हैं वो सब हम आज खाने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस ऑसम फूड ऑल्सो। तो गाइज, खाना वाना हमारा हो चुका चेयरमैन साहब के साथ, और क्या बताऊँ यार, इस खुशी के बारे में ना शब्द नहीं है मेरे पास। जब आप इस प्रकार की यात्रा में होते हैं और कहीं पर आप इतने सम्मान आपको कोई रुकवाता है, तो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो भाई सब हिंदुस्तान गांव में बसता है और इस चीज़ को हम महसूस कर रहे हैं। एक मोरोंग है, मोरोंग यानी एक प्लेस का मीटिंग हॉल होता है ये, जहाँ पर लोग मीटिंग करते हैं और गेस्ट वेस्ट को रुकवाया जाता है। तो आज हम लोग इस मोरोंग में रुके हुए हैं, इस विलेज में रुके हुए हैं। तो बस ये हमारा बेड वेड लगा हुआ है, सब चीज़ें सेट हो चुकी हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है भाई। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।